ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स कैसे बनाते हैं वो स्टडी करेंगे उससे पहले आप क्वेश्चन में देखिए ड्रो एन इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इलिप्स कौन सी मेथड से ड्रॉ करना है दैट इज कॉन्ट्रिक सर्कल मेथड अभी क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड क्या है तो ऐसे दो सर्कल के जिसके सेंटर एक ही हो मतलब सेंटर एक है लेकिन रेडियस अलग अलग त्रिज्या अलग अलग हो सकती है उसमें आपको दिया गया है मेजर एक्सिस एंड माइनोर एक्सिस आर 120 मिलीमीटर mm एंड 80 मिलीमीटर mm रिस्पेक्टिवली तो पहले हम नोट डाउन करेंगे मेजर एक्सिस तो देखिए मेजर एक्सिस कितना है 120 मिलीमीटर mm. और माइनोर एक्सिस कितना है एटी मिलीमीटर mm. तो पहले उसके लिए मान लो कि पहली बार हम ड्राइंग करने जा रहे हैं तो स्केल ये छोटी वाली रोलर स्केल का उपयोग बहुत ही बड़ा है ठीक है ये छोटी वाली रोलर स्केल एक झड़ी बूटी की तरह है और बड़ी वाली रोलर स्केल जो हनुमान जी पहाड़ उठा के लाया थे उनके बराबर है तो इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पे जीरो है और सेंटीमीटर में स्केल दिया गया है वन है तो वन जब हम बोलते हैं एक तो वो हो जाता है एक सेंटीमीटर टू तो टू को हम दो सेंटीमीटर बोलेंगे वैसे ही ठीक थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर तो ये रोलर स्केल जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाता है सोलह 16 सेंटीमीटर तक हम कोई भी लाइन या ड्राइंग कर सकते हैं अब हम तो ड्राइंग में लिखते हैं ओल्ड डायमेंशन सारीन एम एम तो वन का मतलब क्या होता है क्या आप जानते हो वन सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं यस एग्जैक्टली दस मिलीमीटर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर ये याद रखना हमेशा वन सेंटीमीटर इजिक्वल टू कितना होता है दस मिलीमीटर तो जब हम एक सेंटीमीटर बोलते हैं तो वो हो जाता है दस मिलीमीटर दो का मतलब क्या होगा बीस मिलीमीटर अभी मान लो कि मुझे चाहिए पच्चीस मिलीमीटर तो ये ध्यान से देखिए ये टू और ये थ्री उसके बीच में ये बड़ा डिवीजन बना है वो इंडिकेट करता है वो दर्शाता है 25 मिलीमीटर mm, मान लो कि 21 मिलीमीटर mm की लाइन ड्रॉ हमें ड्रॉ करनी है तो 20 ये टू क्या हो गया 20 मिलीमीटर mm, उसके बाद का तुरंत जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो 21 मिलीमीटर mm है उसके बाद का जो नेक्स्ट दूसरा डिवीज़न है वो 22 मिलीमीटर mm है फिर तीसरा जो डिवीजन है वो 23 मिलीमीटर mm है सेम वे चौथा डिवीजन है वो ट्वेंटी फोर मिलीमीटर है फिर ट्वेंटी फाइव अभी मान लो आपको किसी ने बोला के 116 मिलीमीटर mm की लाइन ड्रॉ करो तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले 116 सौ सोलह कहां आता है ग्यारह 11 मतलब 110 मिलीमीटर mm, और बारह 12 मतलब 120 मिलीमीटर mm, ठीक है तो उसके बीच में ये आ गया 115 मिलीमीटर mm. उसके नेक्स्ट तुरंत जो डिवीजन है वो हो जाएगा 116 मिलीमीटर mm. अभी हमें क्या करना है देखिए ये पूरा हमारा पेज है तो अभी पहली लाइन ही हमारी जो ये पूरा एरिया है हमारा पेज का ठीक है उसके पैरल हो तो हम क्या करेंगे देखिए मैं क्या करता हूँ ये पेज का एंड पॉइंट है वहाँ से लेके मान लो मैंने दस पे एक टिक मार्क लगा दिया ठीक है ये टिक मार्क लगा दिया फिर थोड़ा डिस्टेंस में जाके ये जो पेज का बॉटम है वहां से लेके 10 पैट टिक मार्क लगा दिया तो अभी एक बीच में भी लगा देते हैं यह 10। तो अभी क्या हो गया ये तीन पॉइंट जो मैंने टिक मार्क लगाए वो सीध में एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गए अभी आपको कुछ चिंता नहीं करना है कि भाई 120 हो गया नहीं हुआ तो ये तो मैंने एक रेंडमली लाइन खींच दिया अभी हम मेजरमेंट करते हैं कि मान लो यहाँ से मैंने चालू किया ये हमारा ज़ीरो है तो मेजर एक्सिस कितने का है ये देखिए मेजर एक्सिस कितने का है 120 तो ये हमारा ज़ीरो है तो 120 ट्वेंटी कहाँ पर आएगा ये 12 पे आएगा ठीक है और उसका सेंटर पॉइंट कितने पे आएगा 12 का आधा कितना होता है छः तो ये छः पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा ये औरजेंटल बना वो हमारा मेजर एक्सिस है और वर्टिकल कितने का चाहिए माइनर एक्सिस है वो 80 का चाहिए तो सेंटर से हमें चालीस ऊपर और चालीस नीचे तो आपको क्या करना है परपेंडिकुलर लेने के लिए ये दे, देखो बीच में एक होल दिया गया है और यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ एट का होल है तो आपको क्या करना है ये एट और ये होल वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए फिर एट्स के एट में फोर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बारह और एट में से चार निकाल लो तो कितना हो जाएगा चार तो ये हमारा हो गया एक सौ mm का माइनोर एक्सिस हो गया अभी क्या करना है मैं उसको नाम दे देता हूं ये वाले पॉइंट को मैं देता हूं ए ये आखिरी वाले को मैं देता हूं बी इसको देता हूं सी और इसको दे देता हूं डी ठीक है अभी क्या करना है हमें दो सर्कल ये देखिए सेंटर को नाम दिया नहीं उसको मैं दे देता हूं ओ तो ओ हमारा इलिप्स का क्या बन गया सेंटर तो ओ ओ में मुझे क्या करना है ये परिकर का जो ये नीडल वाला भाग है वो इंसर्ट करना है और पेन कहाँ पे रखना है मतलब आपके केस में क्या होगा पेंसिल वो ए पे रखना है ठीक है और एक सर्कल ड्रॉ करना है तो ये हो गया हमारा पहला सर्कल ठीक है मैं क्यों रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो में दिखाई दे अच्छी तरह से इसलिए और दूसरा सर्कल हमें कहाँ से लिंक निकालना है तो ये ओ में मैंने ये देखो ये नुकेला भाग ये पिन ओ में इंसर्ट कर दिया फिर पेन को कहाँ पे रखा सी में रखा और ओ सी वाला रेडियस ले के हमने दूसरा सर्कल भी बना दिया अभी बच्चों आपको कैसा कंपास जिसको कंपास परिकर जो बोलते हैं वो कैसा रखना है वो मैं दिखाता हूं ये देखिए ऐसा आप पेंसिल के लिए ऐसा परिकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना डिग्री प्रोटेक्टर के इस सर्कल के मुझे बारह पार्ट करने हैं तो सर्कल का डिग्री कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय मैं ट्वेल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा एक भाग कितने का बनेगा थर्टी डिग्री का तो ये देखिए ये छोटा है जड़ी बूटी की समान ये सेट स्क्वायर है वो बड़े बड़े सेट स्क्वेयर जहाँ काम नहीं करते वहाँ ये छोटा वाला करता है तो अभी क्या करना है आपको एक या रोलर स्केल जो ए बी पे हमने रखा ठीक है उसको नीचे ले जाओ फिर ऐसे सेट स्क्वायर को एडजस्ट कर दो ठीक है ओ पे एडजस्ट किया हमने फिर यहां से ऐसे सेट करके ओ से एक लाइन निकाला ये दूसरा वाला ठीक है वो बाद में एक्सटेंड कर देंगे फिर हम इसको दूसरा साइड लेंगे और ये देखिए ये इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया और बाद में इसको एक्सटेंड कर देंगे फिर यहां पे आगे ले लिया ठीक है तो यहां पे एक ये पार्ट बन गया इसको एक्सटेंड कर देंगे फिर ऐसा वाला इसको भी हमने ओ से पास किया ठीक है तो अभी यह सी डी वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं ठीक है सी को ऊपर एक्सटेंड कर दिया डी को नीचे फिर ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड मतलब पूरा खींचना पूरे सर्कल में लाइन आ जाना चाहिए तो ये हमने पार्ट डिवाइड करे वो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने सेट स्क्वायर कौन सी पोजीशन पे रखा है ताकि परफेक्ट पार्ट हो और जल्दी हो ठीक है और ये आ गया और ये एक्सटेंड करना बाकी था ये वाला तो अभी हम गिनेंगे कि देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बारह पार्ट हो गए ठीक है अभी हम क्या नंबर देंगे इसको वन टू इसको तो सही ऊपर जा रहा है थ्री फोर फिर इसको देंगे फाइव इसको देंगे सिक्स ये डी नीचे आ रहा है ये सेवन और ये एट अभी आगे क्या करना है तो देखिए ये वन और एट है वन और एट वन से नीचे की तरफ एक लाइन एट से ऊपर की तरफ एक लाइन कितनी वो आपको दो मिनट में पता चल जाएगी फिर टू से नीचे की तरफ एक लाइन और सेवन से ऊपर की तरफ एक लाइन ठीक है और सी डी तो हमारे आंसर के पॉइंट है फिर थ्री से नीचे की ओर एक लाइन और फाइव से ऊपर की तरफ एक और लाइन चाहे तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं चार से नीचे पाँच से ऊपर ठीक है हमने पहले क्या कर दिया वन से नीचे एक लाइन एट से ऊपर टू से नीचे एक लाइन सेवन से ऊपर सी डी को हमारे आंसर के पॉइंट है थ्री से नीचे एक लाइन सिक्स से ऊपर एक लाइन फोर से नीचे एक लाइन फाइव से ऊपर एक लाइन और ये ए बी ए बी हमारे आंसर के पॉइंट है अभी जहाँ पे टू बाहर के सर्कल को टच हो रहा है तो हम इनर सर्कल को भी वही नाम देंगे टू और ये इसको थ्री देंगे इसको फोर देंगे इसको कुछ नहीं देंगे इसको पाँच देंगे इसको छ इसको सेवन है तो अंदर का भी सेवन एट है तो अंदर का भी एट इसको कुछ नहीं देंगे ठीक है तो अभी जो अंदर का सर्कल है उसका काम करना है तो आप रोलर स्केल ए बी के मतलब स्ट्रेटनेस में ला दीजिए और फिर दो से लेफ्ट साइड और तीन से राइट साइड देखो ये इंटरसेक्शन हुआ वही हमारा पॉइंट है फिर ये वाला एक एक और चार से तो एक से ये लेफ्ट साइड और चार से राइट साइड फिर ये एट आ गया और यहाँ पे पांच आ गया पांच से राइट साइड एट से लेफ्ट साइड फिर सेवन से लेफ्ट साइड और छः से राइट साइड तो ये अभी हमारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है वो हमारे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ वो हमारे आंसर के पॉइंट है भाई ठीक है पहले हमारे आंसर के पॉइंट कौन से थे तो ए बी सी डी ए बी सी डी तो है लेकिन उससे सिलेब्स बनेगा नहीं ठीक है ना ये ए बी सी डी वो आंसर के पॉइंट है तो आंसर के पॉइंट को हम ऐसा याद देना कैपिटल पी वन फिर कैपिटल पी टू कैपिटल पी थ्री कैपिटल पी फोर कैपिटल P5, फाइव कैपिटल पी सिक्स कैपिटल पी कैपिटल पी ये नाम देते हैं ठीक है थीके? तो अभी क्या करना है अभी मैं आपको जादुई की छड़ी दिखाता हूं ये देखिए ये फ्रेंच कव है आप जरूर जरूर जरूर, जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपका जो कव बनेगा वो फ्री एंड स्केच नहीं होगा और बिल्कुल प्रिंटेड ड्राइंग की तरह दिखेगा देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये वाला है साइड वो कौ दिखाता है ये वाला साइड कौ दिखाता है कोई भी एक साइड आप ट्रायल के लिए पहले ले लीजिए ठीक है मान लो मैंने ये वाला साइड चूज किया है आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं ठीक है ऐसे उल्टा कोई भी साइड रख रख सकते हैं तो ये उल्टा साइड मैंने पकड़ा है ठीक है ए पे आप रखिए फिर एट पे रखिए और घुमाते जाइए देखो ए में से पास हो रहा है सेवन में से पास हो रहा है और डी में से भी पास हो रहा है आपको एडजस्टमेंट फाइन एडजस्टमेंट करना है तो ये देखिए ये पूरा हो गया ठीक है अभी ये देखिए ये ए में से भी पास हो रहा है P8 में से भी हो रहा है P7 से भी हो रहा है ठीक है ये हमारा कौ बन गया अभी इसको क्या करना है मिरर इमेज तो इसको आप ऐसे उल्टा कर दीजिए तो सामने वाला कौ भी आपको मिल जाएगा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा देखो भाई ये जादू नहीं है तो आपने आपको एडजस्टमेंट करके पहले इंश्योर करना है पी सिक्स आ रहा है पी फाइव आ रहा है पी ये बी भी आ रहा है ठीक है तो फिर आपको प्रेशर देते हुए ये सबको ज्वाइंट कर देना है तो ये हो गया ये लोवर आप पूरा हो गया अभी आपको उल्टा करना है देखिए ऐसे फिर वापस वही काम एडजस्टमेंट का देखिए लाइफ तो भी लाइफ भी एक एडजस्टमेंट ही है तो हम लाइफ के लिए एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे आंसर के लिए क्यों नहीं करेंगे ठीक है ना तो ये देखो आप इंश्योर कर लो सी भी आ रहा है पी थ्री भी आ रहा है पी फोर आ रहा है बी भी, भी आ रहा है ठीक है तो ये देखिए ये बढ़िया इलिप्स बनने जा रहा है फिर आपको इसका मिरर इमेज उल्टा करो और आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो ठीक है ये देखिए आपको थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून एडजस्टमेंट करके ये आंसर को लाना है ठीक है ये P2 आ रहा है C भी आ रहा है P2 आ रहा है P1 आ रहा है और ये A भी आ रहा है फिर आपको बिंदास आपको ज्वाइंट करना ही बचता है तो ये देखिए आपको प्रिंटेड ड्राइंग जैसा कव मिलता है तो देखिए भाई ये बाद में आपको देना है डायमेंशन तो यहां से मैं एक लाइन एक्सटेंड करूंगा ऐसे और यहां से एक लाइन एक्सटेंड करूंगा ऐसे तो ये हमारा मेजर एक्सिस कितने का था भाई याद है किसी को यह लिखा हुआ है 120 तो ओल्ड डायमेंशन आ रही है मैम देखिए मैं एरोड कैसे देता हूँ तीन मिलीमीटर दूर एक पॉइंट जैसा कीजिए फिर खाली इसको ऐसे जोड़ना ही है तीन मिलीमीटर दूर एंड से ऐसा वर्टिकल एक मिलीमीटर का और फिर यह नुकीला पॉइंट जोड़ देना है और यहां से गैप रखते हुए अंदाजिन बीच में लिखना है वन ट्वेंटी ठीक है और ये सी वाला जो मेज़रमेंट है उसको भी आप मेज़रमेंट दे सकते हैं ये सी तो ये कितना आएगा भाई ये आ जाएगा हमारा 80 मिलीमीटर mm. ये 80 मिलीमीटर mm. देखो इसको मैंने लंबा निकाला उसको क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन ये जो वर्टिकल लाइन बना वो बोलते हैं डायमेंशन लाइन और ये हमारा हो गया डायमेंशन और हमेशा याद रखना डायमेंशन लाइन और डायमेंशन के बीच में ऑक्सीजन निकलना चाहिए उसको चिपका के मत रखो ठीक है और आपको अच्छे मार्क्स कवर स्कोर करने हैं तो ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको को एरो देके ठीक है फिर डबल लाइन बना दीजिए अंदाजन पाँच मिलीमीटर mm का गैप छोड़ के फिर उसमें आप पेंसिल से लिखिए ई e डबल L आई पी एस ई ठीक है तो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए तो ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं ठीक है ठीके? Okay, then goodbye. Thank you.